हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिरला पेंट्स के मशीन के बारे में कि अगर आप बिरला पेंट्स का डीलरशिप लेते हैं या फिर अगर आप बिरला पेंट्स के जो भी मशीन है, प्रिंट मशीन है, अगर वो आप लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको कैसे मिलेगा, अभी बिरला पेंट किस तरह के डीलर्स को दे रही है, या फिर अगर आप बिरला पेंट मशीन लेते हैं तो उसके लिए क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, उसमें कितने तरह के क्वाड्रेंट्स आते हैं, या फिर अगर उसमें क्वाड्रेंट फिल करते हैं आप तो उसमें कितना पैसा लगेगा, या उसकी ईयरली जो मेंटेनेंस है वो क्या है, या फिर जो कार्ग हर कंपनी अपने मशीन के लिए जो टारगेट सेट करती है वो बिरला पेंट कंपनी अपने जो भी डीलर्स को मशीन दे रही है उनको लिए ईयरली टारगेट क्या सेट कर रही है। तो आज हम इन सारे चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप बिरला पेंट मशीन लगा रहे हैं तो आपको इन सब चीजों में क्या क्या कैसे करना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह से बिजनेस से रिलेटेड या पेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप बिरला पेंट मशीन की बात करें, अगर टिंट मशीन की बात करें तो उसके दो कंडीशंस हैं। एक तो जो नया डीलर बन रहा है, जो अभी इनिशियली जब अभी हाल ही में पेंट बिजनेस में आ रहे हैं वो, या फिर दूसरा जो पहले से काम कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों ही केस को देखते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें इसमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा या क्या इसका मेंटेनेंस और कलर कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी पुराने डीलर्स हैं, जो पहले से किसी न किसी अलग अलग ब्रांड से काम कर रहे हैं, जिनके पास टिंट मशीन और शेकर दोनों ही अवेलेबल है। तो कंपनी दो कंडीशन कह रही है, एक तो सिर्फ आप टिंट मशीन लीजिए जिससे हम कलर गिराते हैं वो लीजिए, और दूसरा टिंट मशीन प्लस शेकर आप दोनों ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड है कि हमें सिर्फ और सिर्फ टिंट मशीन चाहिए तो आप टिंट मशीन ले सकते हैं, और जो भी डीलर ऐसा चाहते हैं कि हमें टिंट मशीन प्लस शेकर दोनों चाहिए तो वो दोनों ही ले सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आप जैसा चाहते हैं वो ले सकते हैं। जो भी डीलर सिर्फ और सिर्फ टिंट मशीन लेना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टिंट मशीन लेना चाहते हैं, शेकर नहीं लेना चाहते हैं, बिरला पेंट उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी प्राइस नहीं ले रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन लगा रही है, किसी तरह का कोई भी पैसा उनसे चार्ज नहीं कर रही है। वहीं पर जो भी डीलर शेकर लेना चाहते हैं जिसमें पेंट की बाल्टी को हम कस के फेंटते हैं कलर को, अगर वो कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए 17,500 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप एक पूरा कॉम्बो सेट लेते हैं तो मशीन के चार्ज के तौर पे आपको 17,500 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। बट आप सिर्फ और सिर्फ मशीन लेते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ टिंट मशीन लेते हैं, कोई भी शेकर वगैरह नहीं लेते हैं, तो आपका मशीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं इसमें आपको मशीन के साथ क्या क्या मिलता है। जब भी हम किसी भी कंपनी का टिंट मशीन लगाते हैं तो उसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिससे वो मशीन रन होता है। तो अगर हम बिरला पेंट्स की बात करें तो ये ब्लूटूथ ऑपरेटेड मशीन है, यहाँ पे जो भी है वो टैब से ऑपरेट किया जाता है, इसमें लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया हुआ है, ये टैब से ऑपरेट होता है। तो इसमें कंपनी एक अपने डीलर्स के लिए अलग बेनिफिट लेके आ रही है, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इंडिगो डीलर्स को मिलता था, जो भी इंडिगो पेंट से काम करते थे उनको मिलता था, उनको मशीन के साथ टैब भी कंपनी फ्री देती थी। अगर आप बिरला का कोई भी डीलर है तो अगर मशीन लगाते हैं, जो टिंट मशीन लेते हैं, तो उसके साथ बिरला पेंट्स अपना टैब जो भी उस टैब से ऑपरेट होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मशीन की अलग से टिंट मशीन की बात करें तो कंपनी फ्री दे रही है, साथ में आपको टैब भी फ्री दे रही है जिससे वो आप ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको मार्केट से किसी भी तरह का कोई भी टैब खरीदने की जरूरत नहीं है। इससे पहले आप जो भी कंपनी देखते थे, एशियन हो, नेरलैक हो, बर्जर हो, ड्यूलक्स हो, कोई भी हो, आपको उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी आइटम है वो खरीदना पड़ता था, या लैपटॉप हो या टैबलेट हो, जिससे भी वो मशीन ऑपरेट होता था वो हमें खरीदना पड़ता था। पर बिरला ऐसा नहीं करिए, बिरला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टैबलेट भी प्रोवाइड करिए जिससे आप उस मशीन को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स की, अगर बिरला पेंट्स का अगर मशीन आप लगाते हैं तो इसमें कितना क्वाड्रेंट्स आता है, या फिर अगर आप हर क्वाड्रेंट जितने भी उसमें क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं वो सभी क्वाड्रेंट्स को एक एक इधर फिल करते हैं तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स की बात करें तो बिरला इसमें आपको 16 क्वाड्रेंट्स देती है, जो भी आपको इंटीरियर रेड, एक्सटीरियर रेड, इंटीरियर येलो, व्हाइट, ब्लैक, ऑरेंज, इस तरह से करके आपको 16 क्वाड्रेंट्स देती है। इसके क्वाड्रेंट्स अगर बाकी कंपनियों से आप कंपेयर कीजिएगा तो इसमें 3 क्वाड्रेंट मेनली अलग दे रही है बिरला, जो बाकी कंपनियों में नहीं आता है। एक तो आता है आपका HD येलो, HD रेड और स्पेशल व्हाइट जी। अगर तीनों की प्राइस भी आप कंप्लीट कीजिएगा तो मार्केट में ये बहुत ज्यादा कॉस्टली क्वाड्रेंट है, ये तीनों ही HD येलो, HD रेड और जो स्पेशल व्हाइट, स्पेशल व्हाइट थोड़ा कम बट HD येलो और HD रेड बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, और यही 3 क्वाड्रेंट जो है बिरला बाकी कंपनियों से अलग दे रहा है, जैसे बाकी व्हाइट, ब्लैक, ये ऑरेंज, ये सारे ही ऑलमोस्ट सेम से मारे बाकी कंपनी से, बट ये जो 3 क्वाड्रेंट ये दे रहा
एचडी येलो, एचडी रेड और स्पेशल व्हाइट, ये तीनों ही बिल्कुल अलग है, ये बाकी कंपनियां नहीं दे रही है। अगर हम इसकी कलर फिलिंग प्राइस की बात करेंगे, अगर ये जो भी 16 कलर रेंज आपको दे रही है, अगर वो सारे एक एक लीटर आप किसी भी मशीन में फिल करते हैं तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 70,000 तक आपको पे करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 17,000 रुपया। अगर आप सारे ही बॉक्स में जो 16 कलर रेंज है, 16 कलर रेंज अगर एक एक लीटर आप फिल करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 70,000 का थोड़ा कम आपको पे करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि आपको 70,000 पे करना पड़ेगा अगर सारे ही कंटेनर में आप एक एक लीटर करंट फिल करते हैं तो। अब हम बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की, कि ये इसकी मेंटेनेंस जो भी है मशीन आप लगाते हैं तो उसका एक कंपनी ईयरली मेंटेनेंस चार्ज करती है। तो बिरला आपसे क्या ईयरली मेंटेनेंस चार्ज कर रही है, तो अगर हम ईयरली मेंटेनेंस की बात करें तो बिरला का थोड़ा सा हाइक मुझे लगा बाकी कंपनियों की अपेक्षा में। बहुत सारी कंपनियां तो फ्री भी कर दी है, आपके टारगेट थोड़ा अगर उसका अचीव करते हो फ्री कर देती है, साथ बिरला भी आगे चल के ये ऐसा कर दे। बट अभी के टाइम पे जो इसका जो भी मशीन डीलर है जो इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, तो अगर हम इसकी पहले ईयर की बात करें, जो पहला साल जो फर्स्ट ईयर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो 1000 प्लस जीएसटी है। जो पहले साल आप अगर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो 1000 प्लस जीएसटी है। वही अगर दूसरे से लेकर पांचवें साल तक, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये अगर चार साल की बात करो तो कंपनी आपको 7000 प्लस जीएसटी ले रही है। वही अगर छठे से लेकर नौवे, यानी छठा, सातवा, आठवा, नौवा, अगर ये नौ इतने टाइम की बात करो तो कंपनी आपको 9500 प्लस जीएसटी ले रही है। ओवरऑल कैलकुलेटर तो पहले साल तो आपको 1000 प्लस जीएसटी ले रही है, फिर अगले चार साल तक आपको 7000 प्लस जीएसटी ले रही है, फिर उसके अगले चार साल तक आपको 9500 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा इसके एनुअल मेंटेनेंस के लिए। एनुअल मेंटेनेंस सारी कंपनियां लेती है, ऑलमोस्ट कोई कंपनी थोड़ा कम लेती है, कोई ज्यादा लेती है, कुछ कुछ कंपनियां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखती है। हम आगे कभी जिस मशीन का बताएंगे तो उसमें आपको इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे कहने के थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा इसको और कम रखना चाहिए था जैसी कंपनी नहीं है। बाकी ओवरऑल देखें तो मेंटेनेंस थोड़ा बहुत इसकी 5-10% हाई है। अब हम बात करते हैं इसकी टारगेट की, कि अगर जो भी मशीन अगर कोई डीलर मशीन लगाते हो तो उसको एनुअल टारगेट क्या फेस करना पड़ेगा, कंपनी उसके लिए क्या एनुअल टारगेट सेट कर रही है। तो अगर एनुअल टारगेट की बात करें तो कंपनी के साइड से कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है कि आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जो भी कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। जो भी आप मशीन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा उस पर किसी तरह का कोई भी मेंशन नहीं है। अभी के टाइम पे क्या है कि कंपनी अभी जो मशीन अपना दे रही है तो कहीं पे भी डीलर पॉइंट ओपन कर रही है, उसके बाद वो 2-3 महीने के बाद ही मशीन अवेलेबल करा पा रही है। तो उस 3-4 महीने में आपको मिनिमम 1 से 1.5 लाख या 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका बिल करना पड़ेगा, तभी आपको मशीन दे पाएगी। अदरवाइज ऐसे आप सोचिए कि 50 से 60 हजार का बिल कर रहा है वैसे मशीन दे देगी, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी मशीन का शॉर्टेज है, वो ऑल ओवर इंडिया आई हुई है, तो मशीन का शॉर्टेज है, इसीलिए आपको थोड़ा सा मोटा अमाउंट के लिए बिल करा जा रहा है। क्या कि आप मोटा अगर सारे छोटे डीलरों को दे देगी तो बड़े डीलर जो भी होंगे उनको मशीन अवेलेबल नहीं करा पाएगी, तो कहीं ना कहीं उसका सेल इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए अभी के टाइम पे जो 1.5-2 लाख के आसपास का पर मंथ बिल करा रहा है, 2 लाख के अप्रोक्स मान लीजिए पर मंथ बिल करा रहा है, उनको आसानी से मिल जा रहा है, इजिली मिल जा रहा है। बट आगे धीरे धीरे आपको ऐसा होगा कि अगर आप 1 लाख के आसपास भी पर मंथ बिल कराते हो तो आपको मशीन अवेलेबल कराया जाएगा। अभी के टाइम पर थोड़ा शॉर्टेज है, इस वजह से थोड़ा बहुत सेल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ओवरऑल हम बात करें इस मशीन की कि अगर आप लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है कंपनी की साइड से बेनिफिट, तो देखिए पहला तो आपको जो भी मशीन लगा रहा है तो इसमें सारे इक्विपमेंट फ्री आ रहे हैं, कोई भी आपको लैपटॉप, टैबलेट वगैरह या कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ये एडिशनल कंपनी आपके लिए फ्री दे रही है। साथ ही साथ कॉल रेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा कॉल रेंट प्राइस हाइक नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनी कंपेरिजन में 10,000-15,000 रुपया हाई है, ऐसा नहीं है। तो 3,000 रुपया है तो वो भी आप अगर सीडी में पेमेंट करें या कंपनी स्कीम चलाती है तो वो भी आपके लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मेंटेनेंस की बात करें तो अभी तो कंपनी नहीं है, हो सकता है कि जब ये थोड़ा टाइम अगर काम करे तो हो सकता है कि टारगेट पे ये मेंटेनेंस फ्री भी कर दे या मेंटेनेंस का प्राइस थोड़ा कम कर दो। तो ये अभी फ्यूचर की बात है, अभी फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट में वो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम हर बार इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।